press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि ना सिर्फ इन शांति दूतों मुल्ला मौलवी को एक्सपोज करेंगी बल्कि बात करेंगी सीएम आदित्य योगीनाथ जी के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक मुसलमान भी कभी नहीं बोलता है हिंदुस्तान या पाकिस्तान का ये सरकार को मेरी बेटियों को हर साल 500 बेटियों को आईपीएस बनाना पड़ेगा, आईएएस बनाना पड़ेगा, डॉक्टर बनाना पड़ेगा, स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, कभी बोला कोई मुल्ला मौलवी बोला? कब्रिस्तान के लिए, मदरसा के लिए, क्योंकि मदरसे में ये अनल सेक्स करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यही मेरे ऊपर कूद गई थी। भाई साहब, ऐसे ऐसे मुल्ला और मौलवियों के मुंह में ना पकाना लगा करके रोड पे नचाना चाहिए इनको। 9 साल की बच्ची जिसको सही से अपनी आइडेंटिफिकेशन का इल्म नहीं होता है कि वो बड़े होकर के कैसी दिखेगी, वो है क्या, वो बच्ची उसका उसका मच्योर माइंड नहीं होता है, वो तेरे ऊपर कूद गई, तेरी लंबी लंबी खौफनाक दाढ़ी पर कूद गई, ये कैसे हो सकता है? या बच्ची कूद गई या फिर शैतान ने कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, शैतान ने कर दिया। शैतान भी कहता होगा कि वो भी इल्जाम मेरे ऊपर लग रहे हैं जो मैंने नहीं किए, मतलब इनको अरेस्ट भी कर लो तो माफ कर दो, शैतान ने कर दिया। पहला, हमारे इस्लाम में शैतान भी मर्दों पर मेहरबान है और इस्लाम भी मर्दों पर मेहरबान है। शैतान इनके सर पर चढ़ता है तो ये छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, इस्लाम इनके सर पर चढ़ता है तो ये 4 शादी करते हैं और हलाला करते हैं। तो सोचिए, शैतान भी मेहरबान और इस्लाम भी मेहरबान। भैया, ऐसा शैतान और जिन्नात भी भगाना पड़ेगा। और ठीक योगी महाराज जी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस्लाम वाले लोगों का एकदम टाइट कर रहे हैं रस्सी, और एक कानून पर यह हिंदुस्तान भी चलेगा आने वाले वक्त पे। उत्तर प्रदेश और आसाम तो चलने के लिए अपनी दौड़ दौड़ ही चुका है, ड्राफ्टिंग गवर्नर हाउस आ ही चुकी है, 2-4 दिन में कमेटी संगठन हो जाएगी और 2-4 हफ्ते में ये कानून लागू हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ कि सारे मुल्ले के हाथ में चूड़ी पहना दो, चूड़ी तोड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा मुझे। सही कह रहे हैं। एक और चीज जरा वाजिया कर दे, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली ये बुलडोजर चलाए जाते हैं, कोई भी कोई मिसबिहेव करता है किसी दूसरे धर्म के साथ तो फौरन उसके घर को तोड़ दिया जाता है। तो इस पे बहुत से मुसलमानों का ये कहना है कि उसको कानून के तहत सजा दीजिए, घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये भी एक तरीके का जुल्म है जो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर किया जा रहा है। तो और कहते हैं कि दंगा सिर्फ मुस्लिम ही नहीं भड़काते, हिंदू भी भड़काते। तो क्या कभी किसी हिंदू के घर पे बुलडोजर चला? ये सवाल मेरे मुझे एक ईमेल में आया था, कहते आप पूछे हैं जो आपके शो में आते हैं कि क्या कभी किसी हिंदू के घर पे बुलडोजर चला है, आपको जवाब मिल जाएगा। चले मैं आपको शाला इसका पूरा डिटेल पहले बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो 99.9% मुसलमान ही सामने आता है। मैं उसका लिस्ट लेकर बैठूंगी तो आधा घंटा हमें और बैठना पड़ेगा। 90 वो आप गूगल में भी सर्च कर सकते, 99.9% रेप हो, बलात्कार हो, आपका लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो, तो ये सारी घटनाएं मुसलमान लड़के मर्द ही करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब उसके ऊपर वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि उसके घर वालों ने अखिलेश यादव के जमाने में अपने अवैध निर्माण बनाए थे, परमिशन उनको कॉरपोरेशन से मिला था 1 माले का, पर बना के रखा है 5 माला। तो जहां पर एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर उनको सजा मिलती है, तो साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन के द्वारा अवैध निर्माण का जब पता चलता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात कही है, कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी है जो अंदर ही अंदर बहुत सारी जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं और बहुत ही रेनाउंड घर की महिलाएं हैं जो नकाब, हिजाब और शायरी वाले जो शायर लोग होते हैं उनकी बेटियां हैं, उनकी बीवियां हैं। तो ये लोग क्या करती हैं कि अंदर अंदर जो है ना वो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, जो काफी रेनाउंड है वहां पर, लोग जानते हैं
कि ये इस्लाम के द्वारा टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। तो जब उनको नोटिस जाती है, जब उनके घर में नोटिस चिपकाया जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन जब लेंदी होता है तो पता चलता है कि अखिलेश यादव की सरकार के वक्त जब समाजवादी पार्टी हुआ करती थी तो उस वक्त ऐसे लोगों को रखा जाता था हिंदू मुस्लिम राइट कराने के लिए और अपने अपनी सरकार बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को थोड़ा इनकरेज किया जाता था कि ठीक है तुम्हारा ये अगर नहीं भी है फिर भी तुम वक्फ बोर्ड के लैंड को तुम कैप्चर करो और तुम अपना घर बना लो। देखिए कोई भी अगर मेरे आगे पीछे घूम रहा है तो मुझे उसको कोई ना कोई फैसिलिटीज देने की जरूरत पड़ेगी। वो खाली पेट और नंगे पैर तो आपके पीछे नहीं घूम सकता है। तो यही फैसिलिटीज उस वक्त उन लोगों को दी जाती थी। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हालिया में आपने सुना होगा कि एक एनकाउंटर हो गया एक बहुत बड़े गुंडे का उत्तर प्रदेश में। मैं उसका नाम नहीं लूंगी अभी, ठीक है, क्योंकि वो फिर उसको डिटेल में बोलना पड़ेगा। उसकी वाइफ असदुद्दीन अवेसी की पार्टी की मेंबर थी और उसकी वाइफ एक पूरा का पूरा टेररिज्म एक्टिविटीज और उसकी टीम चलाती थी। उसकी टीम में महिलाओं को बम गोली चलाना सिखाया जाता था। तो अब आप बताओ कि ऐसे क्रिमिनल टीम को ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर उसको करने के लिए अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो इसमें बुरा क्या है? मैंने आपसे ही लास्ट सेशन में एक बात कही थी कि असदुद्दीन अवेसी जी ने राम मंदिर के दस्तावेज मांगे थे, कानूनी दस्तावेज और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे थे। तो हमारे योगी महाराज जी ने क्या किया था कि उसको सोशल साइट पे ही छोड़ दिया था कि तुम सिर्फ क्यों देखोगे, पूरी दुनिया देख सकती है। अब यही असदुद्दीन अवेसी और यही मुसलमान धर्म के ठेकेदार जब जामा मस्जिद का इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो ये हाय 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? तुमने मंदिर का डॉक्यूमेंट मांगा ना, तुमको दिया गया ना। ये है हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे। और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप कि मस्जिद का डॉक्यूमेंट मांग लिया गया तो चोर की चोरी पकड़ा गई और दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया, पूरी दाल काली निकल गई कि अब हाय हाय करके सीना पीटने लगे, मेरा इस्लाम खतरे में। ये बोलने से क्या होगा? भारत प्रूफ चाहता है। तूने प्रूफ मांगा राम अयोध्या और राम लल्ला के जन्म का और उस वहां के डॉक्यूमेंट्स का, हमने दिया। अब तू दे जामा मस्जिद का, तेरे बाप का जामा मस्जिद नहीं है। तो यही रीजन है कि जब एकदम हम टू द पॉइंट और लीगल पॉइंट पर बात करते हैं तो मुसलमान जो होते हैं ना वो टाइट खुश हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। और एक कानून से बड़े फायदे हैं। हम तो जाहिर है स्पेशली विमेंस की बात करते हैं, नाजिया इलाही खान जब भी आती हैं वो हमेशा एक वर्किंग लेडी है, विमेंस को बहुत सपोर्ट करती है। हम मेरी चैनल से भी हमेशा यही आवाज होती है जो दिखाया जाएगा। मैं हर रोज अपने चैम्बर में ना महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को रोते हुए देखी हूँ, सिसकते हुए देखी हूँ, कलपते हुए देखी हूँ। मैंने कभी एक केस के बारे में डिस्कस नहीं किया पर आज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक लड़की मेरे पास आई थी बशीरहाट से, हमारे बंगाल के ही बशीरहाट से। उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे मुस्लिम। उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। ये है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। और जो कोई भी मुझे इस बारे में क्रिटिसाइज करेगा आप मुझे कहिएगा, मैं वो केस के सारे पेपर आपको भेजूंगी और आप इसमें लिंक कीजिएगा। जो कोई भी क्रिटिसाइज करेगा उसके पेपर्स में आपको भेजने को तैयार हूं, पूरी फाइल के पेपर में पीडीएफ फाइल करके भेजूंगी। आप उसको लिंक में आप उसको अटैच कर दीजिएगा पीडीएफ फाइल को। यहां पर स्टिचेस करवाए थे मैंने, उसका तो सारा मुंह फट गया। बाकी आपका काम है, पता नहीं कितने दर्दनाक कहानियां रोज आपकी टेबल पे आपको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन
हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इंडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि वो अपने विमेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है ये, तो हमने चलो एक टॉपिक उठाया कि क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं कि उत्तर पर योगी आदित्यनाथ भारत में जो होता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कर देते, बाद में वो हवाएं पूरे भारत में चलती हैं, लेकिन जो लीडर अच्छा काम कर रहा है जिससे दो लोगों को फायदा हो रहा है, हम हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो। और ये चैनल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हमने बनाया है जो डरती हैं विमेन, जो बाहर नहीं निकलती अपने काम के लिए नहीं, तो ऐसी बहुत सी विमेन्स, बहादुर विमेन मेरे चैनल पे मौजूद होती हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, साथ साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको करना क्या है। बहुत अच्छा लगा नाजर जी आपसे बात करके, और हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ है, आप इसी तरह काम करती रहे अपने मेहनत से, इसी तरह बहुत से अंधेरों को मिटा के रोशनी करती रहे, बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इंडिया से बात करूं, मुझे ऐसे लगता है मैं किसी अपने के साथ जुड़ रही हूं, मैं किसी अपने से बात कर रही हूं, मैं मुझे पाकिस्तान से आवाज़ उठा रही हूं, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ कभी ना कभी हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी, क्योंकि हर विमेन का मसला एक है, हर विमेन एक जैसा सोचती है, एक जैसा रहना चाहती है, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं हमें पढ़ना, हम विमेन्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा मुझे लगता है उसका साया हम पे भी पड़ेगा, क्या पता हमारे वाले भी थोड़े मौलाना के चुंगल से निकल के हमें भी थोड़ी आजादी दे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइकान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को बल्कि मदरसों में क्या कुछ होता है उसको भी अच्छे से एक्सपोज किया। और आपने देखा जैसे कि योगी आदित्यनाथ और असम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा जी, वो अपने यहाँ पे यूसीसी कानून ला रहे हैं, यानी समान नागरिक संहिता जो कानून ला रहे हैं उसकी जरूरत हमारे पूरे देश में है, वरना चीजें जल्दी हाथ से बाहर निकल जाएंगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।